बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज का व्लॉग इस तरह है कि आज मैं जा रहा हूँ अपने खेतों को पानी लगाने के लिए, जो कि रात लगना है 10:12 पर। तो उससे पहले कुछ ज़रूरी लवाजमात है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ खेत में। वो इस तरह है कि जिस फसल को मैंने पानी लगाना है वहाँ पर हमारी तूड़ी पड़ी हुई है, तो वहाँ से 4 चादरें मैं तूड़ी लेकर आऊँगा। तो उसके अलावा जहाँ से पानी गुजरना है उस खाले को थोड़ा सा दुरुस्त करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पानी लगाया था तो जो टोक थी वो उसको मैं खुला ही छोड़ गया था। तो अभी फ़िलहाल असर का वक्त है और रोज़े से हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रोज़ा लगा हुआ है, तो लेकिन रोज़े के साथ काम करना पड़ता है गाँव में। तो चलिए, तो ये जो है हमारी दूड़ी का जो ढेर है, यहाँ पे हम सारी जो फसल की तूड़ी है यहाँ पे इकट्ठी कर देते हैं और इसके बाद इसको मिट्टी के साथ इसके लेप कर देते हैं और मिट्टी का खोल चढ़ा देते हैं। और ये पूरा साल इसी तरह पड़ी रहती है, जितनी हमें ज़रूरत होती है वो हम उठा के यहाँ से ले जाते हैं। ये जो मिट्टी की लेप हमने दिया हुआ था, जो मिट्टी का खोल था, उसको आस्ता से उतार लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं खाले के जो किनारे हैं उसको थोड़ा सा ऊँचा करने, क्योंकि पानी जो है वहाँ से टूट रहा है। तो ये एक डाफ हमने लगा दी है, क्योंकि यहाँ से जो पानी आएगा यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ से हम इस जो कपास की फसल है इसको सराब कर देंगे। यहाँ से पानी जो है इसमें हमने खाद डाल दी है, तो जो पानी यहाँ पे डाफ के ज़रिए रुक जाएगा। तो आगे भी हमने ये जो एक किनारा था इसको भी हमने थोड़ा सा ऊँचा कर दिया, क्योंकि इस तरफ हमने जो फसल है वो नई नई काश्त की है, तो इसको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। और इधर जो कपास की फसल है वो भी थोड़ी थोड़ी उगी हुई है, तो इसको भी अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। चुप करें, समय 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 चुप करें। इधर देख लानी थी, उधर जा। ये DAP खाद है और इसको डालने से जो पौधे हैं वो, एक तो उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है और नंबर दो वो जल्दी जो टिंडे पकड़ लेता है, मतलब कि फल जल्दी पकड़ लेता है। तो ये काले कलर की, ब्लैक कलर की होती है। इसी तरह जो यूरिया है वो
जो फसल है उसका कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये जो है ये फल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यूरिया जो है वो सफ़ेद कलर की होती है। शाम का वक्त हो चुका है और सूरज बिल्कुल ग़ुरूब होने का, तो अभी मैं जा रहा हूँ रोज़ा खोलने के लिए। तो रोज़ा खोलने के बाद रात तरावी पढ़ने के बाद 10:12 पर पानी लगेगा, तो उस वक्त हम हाज़िर होते हैं। तो चलिए उस वक्त के लिए इजाज़त दें, तो मिलते हैं 10:12 पर। तो जो टाइम है वो 10:07 हो चुके हैं और अभी हम अपनी खेत में पहुंच चुके हैं। ये 10:07 चार मिनट बाकी हैं। तो अभी हम जो ये वाली टोक हमने कर दी है, तो यहाँ से जो पानी है इस तरफ इस खेत को जाएगा। तो माशाल्लाह अभी मस्जिद में ऐलान हुआ है कि जो ईद का चांद है वो नज़र आ चुका है और सुबह इंशाल्लाह ईद होगी। तो जो नमाज का टाइम है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो ये जोड़ा मेंढकों का इकट्ठा बैठा हुआ है और खूब मजे ले रहा है गर्मी में। तो कितने प्यारे हैं इनकी आंखें, कितनी कितनी मोटी हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। और सुबह इंशाल्लाह ईद है, तो मेरी तरफ से सारे दोस्तों को ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।